गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे सारे फ्रेंड्स, टीचर्स जितने भी हैं, और मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया था कि ऑब्वियसली अपन सब टीचर्स हैं तो अपन लोगों को बोर्ड में पढ़ाना ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश करी ब्लैक बोर्ड खरीदने की, लेकिन कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाया। एक शॉपकीपर ने मुझे बोला कि ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है, लेकिन सेंसिटिव एरिया में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं भैया, सेंसिटिव एरिया में तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, पहले लॉकडाउन 21 तारीख को ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा ठीक है भैया, 21 तारीख को जाकर ब्लैक बोर्ड ले लेंगे, ठीक है। पर अब जो है कुछ लॉकडाउन शायद बढ़ने का भी चल रहा है, 3 तारीख तक मोदी जी ने बोल दिया, उसके बाद बढ़ने का चल रहा है 25 मई। तो मैंने कहा मैं कब तक इंतज़ार करूँगा। बोर्ड वाले को आज फ़ोन किया तो उसने फिर से बोला भैया आप यहाँ पर आ जाओ कार लेकर और ले जाओ। पर मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले जा सकता। तो एक मेरे घर में टूटा दरवाज़ा पड़ा था प्लास्टिक वाला, तो मेरे को एक आइडिया सूझा, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये दरवाजे को मैंने जो सेंटर वाला पार्ट है, वो सेंटर वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है, और उसको सेल्फ स्क्रू की हेल्प से, ये मेरा जो रूम है टीन वाला आप देख रहे होंगे, ये सेल्फ स्क्रू की हेल्प से मैंने ये 3 सेल्फ स्क्रू इसके ऊपर लगा दिए। अब आप बोलेंगे इसके ऊपर लिखोगे कैसे, वाइट तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं करूंगा क्या। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक वाइट शीट लगाऊंगा और उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसीज लगाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास वाइट शीट रखी है, इसको पहले मैं स्टिक करूंगा बोर्ड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल या विद द हेल्प ऑफ टेप, मोटा वाला जो टेप आता है अगर वो है तो ठीक है, या आप फेविकॉल से स्टिक कर लो, ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर। और फिर उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसीज इसके ऊपर टेप की हेल्प से ऐसे लगाऊंगा, और जब मैं इसके ऊपर जब मार्कर से लिखूंगा तो वो इजीली विजिबल रहेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे ही मैं मार्कर से लिखूंगा तो वो इजीली विजिबल रहेगा। उसको ट्रांसपेरेंसीज, मेरे पास ये पड़ी थी पुरानी, जब OHP में नोट्स बनाते थे तो ये ट्रांसपेरेंसीज उस टाइम की पड़ी थी मेरे पास बहुत सारी, और ये ट्रांसपेरेंसीज मैं टेप की हेल्प से जो है इसके ऊपर लगाऊंगा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर लिख भी सकता हूँ और फिर रफ भी कर सकता हूँ। ये बहुत इजी आइडिया है घर पर वाइट बोर्ड बनाने का। मार्कर्स तो सबके पास होंगे ही, मार्कर नहीं है तो आप सिंपल कोई भी मोटे पेन से भी लिख सकते हैं, बट मार्कर की हेल्प से ही इसमें अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। नॉर्मल स्केच बोर्ड में भी मार्कर की हेल्प से अच्छा दिखता है, ठीक है। तो आप ये बोर्ड घर पे बना सकते हैं। ये पूरा बनने के बाद मैं आपको फिर से बता, और इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगा और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ आगे कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड के ऊपर व्हाइट शीट लगा दी। अगर आपके पास व्हाइट शीट नहीं हो तो आप सिंपल A4 साइज के प्लेन पेपर्स भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक साइड में जो शीट लगाई है, और फिर उसके बाद मेरे पास छोटे छोटे शीट्स A4 साइज़ की जो स्केच बुक आती है उसके टुकड़े थे वो लगाए हैं, है ना। और आप इसकी जगह नॉर्मल कागज़ भी लगा सकते हो, आपको वही इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करें। अब इसके ऊपर मैं ये ट्रांसपेरेंसीज लगाऊंगा, ये देखिए ट्रांसपेरेंस जो OHP की आती है ये मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, और फिर आपको लगाने के बाद इसमें लिख कर बताऊंगा बिल्कुल क्लियर। अभी ये पीछे ट्यूबलाइट जल रही है इसलिए क्लियरिटी नहीं आ रही, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिन की लाइट में जब होगा तब मैं लिख कर बताऊंगा। ये जो आपको ट्रांसपेरेंसीज लगानी है इस मोटे वाले टेप की हेल्प से लगानी है, जो मोटा वाला टेप आता है, और रख रख कर जॉइंट्स पर टेप को लगाते जाना है। ये देखिए ध्यान से देखिए, पेपर कटर या कैंची की हेल्प से आप काट सकते हो। आपके पास ये पेपर कटर या कैंची होनी चाहिए ताकि लगाते जाओ, और वो मैं अकेला हूँ इसलिए आपको वो लगाने वाली वीडियो नहीं बता पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा। ये देखिए लगाना कैसे है कि आपने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी रखी, यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी रखी, और यहाँ पर आप यहाँ पर से टेप को ऐसे ही बिल्कुल खोलना नहीं है, टेप को ऐसे ऐसे लगाते गए, और फिर यहाँ लगाने के बाद पेपर कटर कैंची की हेल्प से आपने काट दिया। ऐसे आपको लगाना है, मैं लगाने के बाद आपको फिर से अलग से बताऊंगा। ये मैंने बहुत मुश्किल से बोर्ड तैयार कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी इसमें लगा दी है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बोर्ड लग रहा है, और कम से कम लॉकडाउन तक ये बोर्ड अपना काम कर देगा। इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, देखिए आपको कितना विजिबल लग रहा है, ठीक है ना। कुछ भी लिखूँगा मैं बहुत विजिबल लगेगा, पीछे वाली लाइट जल रही इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। और इसके बाद जो है इसको आप रफ भी कर सकते हैं, कोई
भी एक पेपर का टुकड़ा लीजिए या कपड़े का टुकड़ा लीजिए और ये देखिए, दरवाजे का सेंटर वाला पार्ट लिया है आप, इसके बदले प्लाई का टुकड़ा हो, कुछ लकड़ी का टुकड़ा हो, वो भी ले सकते, ठीक है ना। मेरे पास तो दरवाजा का सेंटर वाला पार्ट मैंने लिया था, प्लास्टिक का दरवाजा था, टूट गया था बाथरूम का, तो वो मैंने ले लिया। इसके आगे मैं कल आपको इसी में क्लास लेकर बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड तैयार हो गया है और बहुत मेहनत लगी है इस बोर्ड में। कुछ कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बातें बनाते वक्त मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात कि अगर आप ऐसी कट शीट लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही टेप से चिपकी होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप रफ करोगे तो ये शीट उखड़ने के चांसेस हैं। और बाकी इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखते बहुत क्लियरिटी आ रही है, देखिए आप कुछ भी लिखते बहुत क्लियरिटी आ रही है। इसको आप रफली इजिली रफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रफ करने में, जैसा वाइट बोर्ड की तरह ये इजीली काम करेगा, ठीक है ना। इसमें ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बोर्ड आप कम से कम लॉकडाउन तक काम में ला सकते हैं, जब तक आप नया बोर्ड नहीं खरीद पा रहे वाइट बोर्ड इजीली।